दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F41 जो 8 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, उसको अगर आप लेते हैं फर्स्ट सेल में तो आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो प्राइस होगी उसमें सिर्फ आपको 70% जो प्राइस बनती है वही पैसे आपको देने होंगे, और वो भी एक साल में एक साथ, वो भी नहीं देने हैं। और ये बिल्कुल ऑफिशियली सैमसंग की तरफ से, और इस ऑफर से हमें फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल की डेट बिल्कुल कंफर्म पता चल जाती है। कैसे सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। असीम वासी जो सैमसंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो INS के साथ एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें बताया कि सैमसंग गैलेक्सी F41 की जो फर्स्ट सेल होगी उस सेल में हम इस पे 30% का डिस्काउंट देंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी फर्स्ट सेल होगी F41 की, वो फ्लिपकार्ट पे जो बिग बिलियन डे सेल होगी उसके पहले दिन होगी। यानी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल के पहले दिन ही इसकी फर्स्ट सेल होगी F41 की। तो ये आपको पता है कि F41 लॉन्च हो रहा है 8 अक्टूबर को, और लॉन्च होने के बाद में लगभग एक सप्ताह बाद में ही फर्स्ट सेल होती है सभी फोन्स की। तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि फ्लिपकार्ट और बिग बिलियन डे सेल 15 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगी। हो सकता है कि ये लॉन्च होने के बाद में एक हफ्ते से थोड़ा 2 दिन कम या बाद में फर्स्ट सेल रखें, तो मतलब 15 अक्टूबर के आप आसपास ही मान सकते हो कि बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होगी, एक दिन आ गया पीछे। तो यह सैमसंग ने फ्लिपकार्ट के साथ एक डील की है और कहा है कि 30% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F41 पे फर्स्ट सेल में। तो ये 30% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, क्या आपको एकदम से 30% डिस्काउंट मिलेगा या कैसे, वो आपको क्लियर से समझा देता हूँ। ये डायरेक्ट डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जैसे कि मान लो फोन 15,000 की प्राइस में आता है, फोन 15,000 या 16,000 की प्राइस ही रखी जाएगी। बाकी फोन के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो बता देता हूँ कि 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, पीछे 3 कैमरे हैं, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का है, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 6,000 mAh की बैटरी है, प्रोसेसर शायद से एक्जिनोस का 9611 का ही देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से जो इसके स्पेक्स वगैरह देखते हैं फोन के, तो शायद से प्राइस 15,000 या 16,000 रुपये होगी। मान लो 15,000 रुपये की प्राइस होती है, थोड़ा सिंपल से समझा देता हूँ कि मान लो 15,000 की प्राइस होती है तो 10,500 में आपको फोन मिल जाएगा, वो भी आपको पैसे भी किस्तों में देने होंगे, और एक साल के लिए आप फोन को यूज कर लेंगे। एक साल के बाद में आपको फोन रखना है, तो 30% जो डिस्काउंट दिया था वो आपको पैसे देने होंगे। नहीं रखना है फोन तो आप वापस दे सकते हैं, 10,500 में आपके लिए एक साल के लिए फोन आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ऑफर है वो सही है, क्योंकि अगर किसी के पास एक साथ में पैसे ना हो 15 या 16 हजार में जो लॉन्च होगा, लेकिन वो किस्तों में अगर पैसे देता है तो किस्तों में उसे 12-13 महीने का टाइम मिल जाएगा, किस्तों में जरूर से पैसे दे सकता है, उस हिसाब से फोन ले सकते हैं। अगर फोन को एक साल यूज करना है तो 70% जो प्राइस होगी वो प्राइस दे के एक साल यूज कर सकते हैं, फोन वापिस कर सकते हैं, रखना है तो 30% वो दे सकते हैं, बाकी देना तो किस्तों में है। इस हिसाब से ऑफर वैसे ठीक भी है, और जो एक साथ पैसे दे के लेना चाहते हैं तो वो तो ले ही सकते हैं। तो दोस्तों बस ऐसा कुछ से आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिलता है। बाकी इस डिस्काउंट से हमें फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल की डेट का लगभग कंफर्म पता चल जाता है, 15 अक्टूबर के आसपास होगी। उस सेल में आपको और भी ऑफर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बैंक ऑफर भी कोई देखने को मिलेगा, तो आप और कौन सा फोन ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।